जानी क्या हो गया, तू एक महीना मुझसे दूर रहा है, डरना भी शुरू हो गया, हौसला कर, कैसे? अच्छा अच्छा शैतान, अब मुझे पता है तू बहुत बड़ा एक्टर बन गया, छोड़ एक्टिंग को, आजा अपने कामों में लग जाए। कौन से काम? जानी तू तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है मुझे जानता तक नहीं है, रुक मैं तुझे याद करवाता हूँ, जानी मूवीज देख, नेटफ्लिक्स एंड चिल। चलो देखते हैं भाई कौन सी नई मूवी आई है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे सम्मी जी की। सम्मी जी मैं फैनिया ले आया हूँ। सम्मी जी, हेलो सम्मी जी। ओए कौन? ओए इधर देख मैं खुद आ जाता हूँ। ओए ए किशा सम्मी जी तुसी भी भूल गए हो सानू। ओए तू है कौन, है चोर है ना, मैं हले पुलिस नु फोन कर रहा। सम्मी जी बेस्ट फ्रेंड शैतान। ओ जानी तू आ मेरे सीने से लग। सम्मी जी मेनू पूछो मैं तुहानु किन्ना मिस कीता, एक महीना किवें लंघे है ना तुहानु की दसां। ओ सेम हेयर जानी तेनु पता है पूरा महीना एक भी फड़ी नहीं लाई, अपने गोल्डन कश नु इन्ना को मिस कीता मैं की दसां। और सुना तेनु लिथर कैसे पे ने? सम्मी जी बहुत मार पई, साडी ते हर साल शामत आनी हुंदी है। खैर तुसीं दसो कित्थों आ रहे हो? ओ यार मार्केट चो ना सामान लैन गया सा थोड़ा जिहा। तू सिर्फ मार्केट समान लेन गया? और उत्थे की मिलदा है, समान ही लेन जाना सी उत्थों। सम्मी जी तुसी मेरे तो एक महीना की दूर होए, तुसी तो सब कुछ भूल भुला गए हो, मार्केट दुशी जाए, आंखों की रौनक, दिल का सुकून, चलिया पुंडी प्रोग्राम। ओए बस कर दे, की कर। अम्मी जी मैं ना जरा चीनी ते दूध भूल गया, मैं लेके आया। चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। हेलो तू कौन है? इजाज साहब आप भी मुझे भूल गए हैं, वो तो चलो दोनों शरीफ थे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ओए होरे कौन है तू, है मैं नहीं जानता, तेरे निकल जा इतो। इजाज साहब अगे पूरा महीना लित्र ही ते खादे ने, खैर तुसी भी मार लो कोई मसला नहीं। ओए अच्छा जानी शैतान तू तू छुट गया ओए। नहीं नहीं ना पहचानो, मार लो मुझे लित्र, आगे इतने बड़े हैं, खैर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी है। अच्छा अच्छा जानी रो ना, क्या मसला ही? जा साहब आप इधर बैठे और पूरा मोहल्ला सुकून में है, कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है। ओ मैं थारा दर्द समझू हूँ भाइयो, आज पूरे मोहल्ले में अन्नी पाते हैं। यू मेड द डेविल हैप्पी, लेट्स गो, आज ते अन्नी पासा। तू ही कितने बैक मोबाइल यूज करन दे हो, कल ईद है मेनू ना सारे बर्तन धुप्पे चाहिए ने, जल्दी करो जाके बर्तन धोवो। बेगम जी आज दे दें आराम कर लें दो। की मतलब आराम करना है, हले तो बर्तन तो तुम क्या बस कार जाले साफ करने ने, पूरा कार साफ करना, पक्के साफ करने, सारे काम अज तू ही करने ने, मेरी तबीयत भी सही है। अल्लाह अच्छा जी मैं कर देना। छत्तू है एक तो तू हर वक्त नाजिन हो जाएगा। जानी ये किन कामों में पड़ गया, बाहर जा कोई मस्ती मुस्ती कर, तू ऐसा तो नहीं था यार। मुझे बता तेरी बीवी है? नहीं यार मैं शदीद सिंगल हूँ। फिर नहीं तो समझ सकता जा दफा जा। अच्छा कितने गल्ला करन दे हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हले पक्खे भी साफ करने ने। हाँ सुन ली हूँ। हाँ सुन लिया, चले ठीक है सुमी भाई मैं चलता हूँ, अगली पार्टी भी पकड़नी है। किथे इधर आके मैंने काम करा। नहीं नहीं इजाज साहब आज चांद रात है, आप इधर बैठे हैं, बीवी से झूठ बोल के बाहर नहीं जाना आपने? यार मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं अपनी बेगम से बहुत प्यार करता हूँ। बस इजाज साहब बस, आप बदल गए हैं, जो बीवी से मोहब्बत करे वो हम में से नहीं। यार नाराज तो ना हो, चल निकल। आप क्यों चीख रहे हैं, अभी तक तैयार भी नहीं हुए, शॉपिंग पे नहीं जाना, साले ईद के कपड़े खत्म हो जाएंगे, फिर अकेले ईद मना लेना। अच्छा बेगम तैयार हो जाता हूँ, ऐसे गुस्से में रा करें, बहुत प्यारी लगती है। अच्छा चले ठीक है उठ जाए तैयार हो जाए, फिर अभी शॉपिंग के लिए भी जाना, वरना सारी ईद की कलेक्शन खत्म हो जाएगी। यार वैसे तो आप इसमें भी बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा चले मैं तैयार होता हूँ। यार इधर तो मियां बीवी में बड़ा सलूक है, कोई नया घर ढूंढना पड़ेगा। अली इतने परेशान क्यों यार? यार मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी बीवी ने तो नाक में दम करके रखा हुआ, कहती है कल आपने मेरी अम्मी के घर जाना है, सारा दिन आपने वहां गुजारना है। यार उसको कैसे बताऊं, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी ईद मनानी है। यार जानी तू परेशान ना हो, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, बोल क्या करूँ तेरे लिए। यार तू कुछ ऐसा कर दे कि मुझे ससुराल ना जाना पड़े। मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? देख मैं ना तेरी गाड़ी के टायर फाड़ देता हूँ, उसका इंजन बर्बाद कर देता हूँ, फिर तेरी बीवी ना लोकल जाएगी, फिर मैं तू घर में पार्टी
पार्टी करेंगे, मूवीज देखेंगे, कैसा आइडिया। लेकिन यार एक मसला है, वो गाड़ी मुझे ना जहेज में मिली है, तू उसे कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ और इसका हल निकालना। अली इधर अकेले क्यों बैठे हो और ये किससे बात कर रहे थे? नहीं मैं किसी से बात तो नहीं कर रहा, वैसे ही बैठा हूँ। सारा दिन वेले बैठ बैठ के ना पेट निकाल लिया, जाओ जाके दर्जी से मेरा सूट लेके आओ, आज मिलना था। और अगर मेरा सूट खराब हुआ ना तो फिर देखना मैं करती क्या। जी ठीक है बेगम, अभी जाओ। देख लिया यार तेरा ये वाला मसला ता याद चलना, मैं कुछ नहीं कर सकता। जाते जाते वो तुझे सिर्फ एक नसीहत करना चाहता हूँ, जिंदगी में कभी शादी ना करी।